फ्रेश काउ डंग और 3 लीटर गोमूत्र 3 लीटर गोमूत्र फ्रेश और 1 kg जागरी 1 kg जागरी ब्लैक जागरी। इस तरह से हम लोगों ने 3 चीजें इसमें डाली है। हम इसमें बेसन वगैरह नहीं डालते, क्यों नहीं डालते, बहुत बदबू मारता है। और उसमें 15 kg डाला है अलौकिक खत में, और एक एकड़ में एक ट्रॉली हमेशा गिरता है, तो 15 kg तो गिर गया, फिर उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब इसका फर्मन करने का काम गुड़ कर रहा है और फिर माइक्रोब्स में डेवलप हो जाते हैं। फिर ये मेन चैनल है, तो यहाँ पे फिर अंगूठे जैसी धार डालते हैं। ये 300 लीटर का है, ये तो इसमें 90 किलो 90 kg काउडंग डाला है और हाफ 9 kg हाफ फीट थोड़ा एक सेकंड स्पेस जो आफ्टर फर्मेंटेशन दे दी हम कहते तो ये डाल के फिर पानी से इतना भर देते हैं कि वो 6 इंच खाली रहे, क्योंकि वो जब फर्मेंट होता है तो ऊपर से आके फिर नीचे गिरता है। इसमें जागरी डालने के बाद अभी डाला नहीं कोई जागरी, अभी सिर्फ वो गौमूत्र वो ही डाला है। हाँ 3 दिन पहले अब इसका यूज करना है हमको, जैसे अगर बारिश रुक जाती है, परसों तक बारिश थी। फिर हम लोग इसमें यूज करते हैं फर्स्ट ईयर 600 लीटर एक एकड़ में, सेकेंड ईयर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं 400 लीटर, और थर्ड ईयर से फिर कंटिन्यू लॉन्ग लाइफ जब तक हम जिंदा रहेंगे 300 लीटर इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग अलग हमने प्रयोग करके देखे, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से फसल के ऊपर बैड इफेक्ट होता है, तो हमने ये तय कर लिया कि इसका एक प्रमाण होना चाहिए। तो वो प्रमाण के आधार पर हमने ये 600 400 और 300 फिर 300 लॉन्ग लाइफ पर क्रॉप में यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोग इसका पर एकर पर क्रॉप है तो 600 लीटर। तो क्योंकि सारी अवेलेबिलिटी है हमारे पास तो 10 दिन इसको 10 दिन इसको फर्मेंट होने देते हैं। 10 दिन के बाद इसको आप 1-1.5 महीने के बीच में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये इरिगेशन में हो गया कि अंगूठे जैसी धार आप पानी के साथ डालते रहिए। ड्राईलैंड फार्मिंग है तो बारिश में जब बारिश हो जाए, जमीन जब नमी आ जाए, गीली हो जाए जमीन, उस समय सुबह या शाम को आप जमीन पे डाल दीजिए। तो जैसे 10-10 फीट के ऊपर भी डाला तो उसके माइक्रोब्स ऑटोमेटिकली वो फैल जाते हैं जमीन पे। इस तरह से उसका इस्तेमाल आप ड्राईलैंड फार्मिंग कर सकते। गन्ने में इसका रोज डबल होना है, केले में इसका रोज डबल होना है, हॉर्टिकल्चर में इसका रोज डबल होना है। तो हॉर्टिकल्चर में इसके वंडर रिजल्ट आप अभी हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे एक आम के बगीचे में बहुत ही वंडरफुल वाटर कंजर्वेशन, बहुत आपने बताया कि हल्की ज़मीन में कैसा करना, तो वहाँ पूरा ट्रेंचिंग का सिस्टम कर दिया उसके लिए। तो उसका जो डैमेज हो रहा था हॉट वेदर में वो डैमेज बंद हो गया उसका, वो ट्रेंचिंग बनाने क्योंकि बारिश का पानी और फिर मल्चिंग के लिए हॉर्टिकल्चर में उसका इस्तेमाल करने लगा। तो अलग अलग प्रैक्टिसेस में हॉर्टिकल्चर में कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग में शुगर पेन में कैसी होनी चाहिए, कॉटन में कैसी होनी चाहिए, पुअर में कैसे, तो ये सब इजी तरीके से हम अपना यील्ड बढ़ा सकते हैं। अभी बात आती है क्रॉप रोटेशन की, तो देखिए ये यहाँ पे हमने पूरा पंपकिन दिया था, यहाँ से पूरा पंपकिन था। क्रॉप रोटेशन के साथ मार्केटिंग नॉलेज, ये स्किल हमारी के साथ जोड़ना जरूरी है। धीरे धीरे पालक सितंबर महीने में अगस्त 15 से सितंबर महीने तक डालने वाली पालक का 30 क्विंटल मैक्सिमम उसका मिलता ही है, लेकिन इसके रेट 30 रुपए किलो से 40 रुपए किलो पर केजी आपको इसके रेट मिलते हैं। अभी एक पालक का प्लाट उधर है हमारा 15 गुंठे में, 15 गुंठे बोले तो 15,000 स्क्वायर फीट में, 15,000 स्क्वायर फीट में 40,000 रुपए पालक मार्केटिंग स्किल है, नॉलेज। तो पहले हमने वहाँ पे ग्रीन फाउडर, ग्रीन था अपना इसका फाउडर था जानवरों का, उसके बाद में हमने उसमें पालक लगाया था। यहाँ पे हमने 15 दिन से पहले ये पालक लगाया, ये पालक 20-30 रुपए किलो ही जाएगी और ये 20-30 क्विंटल के ऊपर मिलती है। टेम्परेचर के साथ उसका प्रोडक्शन का कम ज़्यादा ये तय होता है,
अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको इसका यील्ड कम मिलेगा। आपने इसको अक्टूबर मिड के इसमें डाला तो आपको 50 क्विंटल मिलेगा, लेकिन यही आपने नवंबर में डाला तो आपको ये 80 क्विंटल तक पर एकड़ इसका यील्ड देगा। यानी टेम्परेचर के साथ क्रॉप का यील्ड जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ठीक है उसका कैलकुलेशन वो कर लिया जिसका यील्ड इसके साथ मिलता है, लेकिन रेट कैसे मिलती है? तो नवंबर में लगाया तो कोई पालक लेता ही नहीं, 2 रुपए किलो मिलता है। फिर हमने इसका तय समय किया, 15 सितंबर बेस्ट पीरियड, गणेश फेस्टिवल रहता उसमें बहुत डिमांड रहती, ये दुर्गा फेस्टिवल में स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा लेट हो गया 10 दिन, फिर भी दीपावली तक इसके रेट मिलते हैं। तो 20 रुपीज से 40 रुपीज किलो तक इसके रेट मिलते हैं हमको पालक के इस समय। तो इसी समय हम पालक का प्रोडक्शन लेते हैं। ये लेने का कि इसमें बाद में सीड बना लेते हैं, तो पहले लिया पंपकिन फिर पालक लिया, 30 क्विंटल 30 kg उसका रेट 90,000, 40% खर्चा, 35,000 ये खर्चा उसमें लॉस हो गया, तो 55,000 नेट प्रॉफिट। फर्स्ट इसमें हमने पंपकिन लिया, पंपकिन का 8 टन पर एकड़ उसका यील्ड मिला, 10 रुपये किलो से 20 रुपये किलो तक का बिका, 15 रुपये एवरेज में रेट मिले उसके। यहाँ वर्धा और यवतमाल दो ही जगह हमने पूरा होलसेल में बेचा उसको, हमने ये नहीं किया कि ये ऑर्गेनिक है, इसका मेरे पास ऑर्गेनिक का बाजार नहीं कि मेरा टन 10 टन माल रोज निकलता है, कहाँ बेचूँ मैं इतना माल, तो मुझे ओपन मार्केट में डाल, लेकिन ओपन मार्केट में भी 10 रुपये किलो से 20 रुपये किलो उसका टाइमिंग सेट किया था ये पंपकिन का पूरा, 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगाया तो ही आपको उसके रेट मिलते हैं उस समय, लेकिन उसके बाद के पंपकिन को आपको 3 रुपये किलो में भी कोई पूछता नहीं, या आपका पंपकिन खराब हो जाता है। तो मैंने उसका मार्केटिंग का स्किल तैयार किया, इसको 10 अप्रैल को लगाया, 10 अप्रैल को वो लगाया, 80 टन उसका उपज मिला, 80 टन 15 रुपये एवरेज, 120,000 उसमें से 40% टोटली लैंड प्रिपरेशन से लेकर तो फर्टिलाइजर से लेकर तो जो हम देते हैं ये FIM वगैरह देते हैं उसका सब मिला के ये टोटल कॉस्ट 40% में हमारा चले जाता है, क्योंकि लेबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर देते हैं, तो 40% माइनस कर दिया तो 50,000 माइनस हो गया, 70,000 नेट प्रॉफिट पहले मिल गया। अब रियल तो क्या है देखिए, समर्पण का भाव कैसा होता है, मैं इसको जमीन को अपनी माँ बोलता हूँ कि माँ मुझे 30,000 रुपये मिल गए तो तेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर एकड़ मुझे 30,000 एक सीजन में। तो पंपकिन ने मुझे दिया 70,000, पालक लगा दिया उसमें 30 क्विंटल हुआ, 30 रुपीज़ के जी से गया, 90,000 हो गया, 90,000 30 रुपीज़ के जी उसका रेट, 90,000 में से 40% खर्चा माइनस किया 55,000, 70 प्लस 55, 1,25,000 ये दो क्रॉप, फिर 5 से 6 क्विंटल तक इसका कम से कम 6 क्विंटल ऊपर में 8 क्विंटल, लेकिन 5 से 6 क्विंटल 6 क्विंटल काउंट करते इसका सीड मिलता है, फिर वो 6 क्विंटल सीड 100 रुपीज़ के जी से अब हम सीड बेचते हैं उसका, यानी 60,000 हो, उसमें कोई अदर प्रैक्टिसेस नहीं, उसका 20% खर्चा आता है, अब 60,000 में से 20% 12,000 20,000 माइनस कर 40,000 ये 1,65,000 कहाँ तक इसका सीड, ये हार्वेस्ट होने के बाद नियर अबाउट 3 महीने और लगते हैं, तो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसका वो कॉस्ट आता है, इसके बाद में फिर इसमें कोरिएंडर वगैरह हम लोग लगा देते हैं या मेथी लगा देते हैं नेक्स्ट क्रॉप। तो ये टोटल 1,65,000 जब हो गया, ये एक रोटेशन हो गया, पहला पंपकिन फिर पालक फिर पालक का सीड जो टूट के आता है उससे सीड, यानी नेचुरल उसका जो प्लांट पॉपुलेशन चाहिए वो रह जाता है, फिर थर्ड में हम लोग कोरिएंडर या और कोई ऐसा लेते हैं क्रॉप। तो टोटल ये जाता है नियर अबाउट, हम 170 नियर अबाउट पकड़ के चलते एवरेज में, अब 170 मुझे चाहिए 30,000, जब इतना ज़्यादा मिल गया तो उसमें कहा 40% पैसा गया कहाँ, तो जो मुझे गोबर खाद मिला वो पशुओं के लिए मैंने खर्चा किया, जो मेरे यहाँ आदमी लोग काम करते हैं उनको अच्छा वेतन दिया, तो 40% पैसा किसी कंपनी में नहीं गया, सारा पैसा यहाँ पे ही गया है मेरा। इस तरह से इकोनॉमी दौड़ेगी, क्योंकि खेत का पैसा खेत में, घर का पैसा घर में, गांव का पैसा गांव में,
व्यापार अपने आप ग्रो करेगा। इस तरह से पूरी इकोनॉमी में 40% ऐसा वापस आ गया वो। हाँ, बाहर नहीं चलता है, वापस आ गया। ये अभी अभी क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, सब बाहर ही बाहर। कॉटन 20 क्विंटल ले रहा है तो वो 1 लाख रुपये खर्चा कर देता है और वो 1 लाख पूरा बाहर चले गया और कर्जा हो गया वो अलग। इसमें कहीं कर्जा मैं को बैंक में जाने की जरूरत नहीं। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट, मैंने यहाँ पंपकिन लिया, 70,000 रुपीज एवरेज में मिला है इसमें। पंपकिन के बाद नेक्स्ट प्लानिंग जो है मेरा यहाँ चना है, वो लैंड में सिर्फ चना आएगा। लास्ट ईयर हम 12 क्विंटल तक चले गए, एक एकड़ में 12 क्विंटल चना। और मेरा जीत था कि मैं मेरा चना ओपन मार्केट में, क्योंकि पंपकिन तो मैं रख नहीं सकता, पालक रख नहीं सकता, लेकिन इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैंने उसको काफी अच्छी धूप दी। पंजाब से मुझे ऑर्डर आया कि आप पूरा चना हमको भेज दो आपका। मैंने उनको 3 क्विंटल दिया कि नहीं, मैं तुमको पूरा चना नहीं देता। मैंने 2.5 एकड़ में लगाया था, 30 क्विंटल चना हुआ था मुझे। अब 30 क्विंटल 2.5 एकड़ में चना लगाया, 1 एकड़ में 12 क्विंटल, 70 रुपये किलो से कम एक भी किलो बेचा नहीं मैंने। आज मैंने प्रचारित ऐसा किया कि हर घर में, सबके घर में 100-100 ग्राम चना पहुंचा दिया, ये खाओ, आपको अच्छा लगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, आपको अच्छा लगे तो मुझे ऑर्डर कीजिए। किसी ने 2 किलो किया, किसी ने 5 किलो किया, पैकिंग कर दिया, पहुंचा दिया। वो खर्चा थोड़ा लगा मेरे को, लेकिन वो 70 क्विंटल चने में का बमुश्किल आज 30 क्विंटल में से 5 से 6 क्विंटल रहा। तो सीड की इतनी डिमांड हो गई मेरे पास कि वो 5-6 क्विंटल भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने पूरा 70 रुपये किलो में बेचा, 12 × 70 84,000 रुपीज पर एकड़ मुझे चने से मिला। चने में मैंने क्या प्रोटेक्टेड किया, मैंने इंसेक्ट को प्रोटेक्ट किया, मैंने हनी बी को प्रोटेक्ट किया। हर फ्लावर पे हनी बी था, इसका वंडर टाइम रहता है फार्म पे घूमने का, नवंबर हनी आपको देखने का कि हनी बी कितना है, यहाँ पे करोड़ों की तादाद आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जब तक कोरिएंडर फ्लावरिंग में आ जाता है, चना फ्लावरिंग में आ जाता है, तो ये फ्लावरिंग फेज में यहाँ का देखने लायक रहता है। मैंने हनी बी को प्रोटेक्ट किया। अमेरिका चिंता में है कि हमारा हनी बी खत्म हो गया तो हमारी खेती खतरे में आ जाएगी, लेकिन अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने को उनकी पॉलिसी को बंद करने की जरूरत है कि उनके पॉलिसी से हमारा एग्रीकल्चर नहीं जाना चाहिए। अब 84,000 का हुआ, उसमें गुण यह है कि पहले पंपकिन का बायोमास पूरा जमीन में मिला, फिर उसके बाद में वो जमीन से न्यूट्रिशन कम लेता है, जमीन को ज्यादा देता है, इस तरह से अपने माँ का पोषण हो गया। पहले 70 फिर 84,000 में 24,000 रुपीज मेरा खर्च आ गया। अगर चने का 24,000 रुपीज, क्योंकि मैं लेबर को मजदूरी बहुत देता हूँ, क्योंकि मुझे श्योर इनकम का पता रहता है, इसलिए मैं उनको सम्मान पूर्वक मजदूरी देता हूँ। और जब उसमें 60,000 को 1,30,000 मुझे चाहिए, 30,000। अब फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है और हमारे रिलेशन कैसे पैदा होते हैं नेचुरल फार्मिंग में, तो मैं माँ को हाथ जोड़ता हूँ, माँ मुझे चाहिए थे 30,000 और तुमने दिया 1,30,000, 1,70,000, इसके आगे का गरीब बताऊंगा मैं आपको। तो 1,70,000 रुपये मुझे चाहिए थे 30,000, माँ मैं तुझे 10,000 वापस दूँ। इमीडिएट 5 ट्रॉली परचेस करता हूँ गोबर खाद, मुझे कोई शर्म नहीं है वो कहने में, क्योंकि ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारा तकनीक है, टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगा, नॉलेज, ये हमारा नॉलेज है। 5 ट्रॉली गोबर की खाद लाई, डाल दी, तो फर्टिलिटी कम होगी या बढ़ेगी 5 ट्रॉली डालने के बाद। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, कि मुझे वो 1 पीस इन्वेस्ट नहीं करना था कहीं, उसमें के 10,000 इन्वेस्ट करना था माँ के हेल्थ के लिए। तो बायोमास पहले उसका मिला, फिर चने का मिला, फिर 5 ट्रॉली गोबर की खाद, फर्टिलिटी तो अपने आप ग्रो करेगी। तो इतना बायोमास, इतना गोबर खाद देगा, तो गोबर खाद लेना है ना, चोरी करना है मेरा, वो हक किसी और का है, जो पैदा करता है वो अपने खेत में, लेकिन आज वो बेच देते हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है उसके ऊपर। अब 5 ट्रॉली गोबर की खाद पर ईयर, इतना बायोमास, इंसेक्ट पैदा करने का तरीका, फिर उसके ऊपर आ जाता है। जब बदली हो गई तो उसको डैमेज करने वाली इल्ली आ जाती,
गोलियां आ जाती, मुझे कोई डर नहीं लगता उनका। अब जब स्टार्टिंग स्टेज में मेरा निरीक्षण क्या था, इतना छोटा पेड़ था, उसको इंसेक्ट ने खा लिया, जब छोटा था तभी खा लिया, खा लिया आधा कट हो गया, उसके पत्ते दिख नहीं रहे, खा लिया वो, मैं बहुत खुश हो गया, खा लिया ना, कोई हरकत नहीं। मैं जानता था इन्होंने नेचुरल प्रूनिंग का काम किया है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग फिर उसमें से इतनी बड़ी कि 12 क्विंटल इसकी पैदावार मिली। अरे नेचर में हर जगह साइंस है, उसका प्रूनिंग का साइंस था, खाया तो प्रूनिंग कर दिया उसने, नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गई, वेदर क्लियर हो गया, वेल ग्रोथ हो गई उसकी। इसीलिए हमको पेशेंस ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ लगाने जा रहे बैंगन, अब यहाँ पे पहले था पम्पकिन, उसके बाद में बैंगन, वहाँ हमने टमाटर देखा, वो टमाटर वहाँ पे पहले था पाउडर के ऊपर, हमने पहले तुअर था फिर पाउडर था और फिर वहाँ पे अभी टमाटर लगाया, यहाँ पे हमारा पम्पकिन था। अभी नर्सरी का वो ख़त्म हो गया, इसीलिए फिर से और तैयार करना चालू है नर्सरी। ये पूरा बैंगन आएगा, लास्ट ईयर 1.25 एकड़ में हम लोगों ने 2 लाख रुपए का, 1.25 एकड़ यानी 3/4 एकड़, 3/4 एकड़ में 2 लाख रुपए का बैंगन बेचा। अक्टूबर में लगाया पिछले साल, दिसंबर जनवरी बिल्कुल भी रेट नहीं थे उसके, तो दिसंबर में पूरा टोटली उसका इरिगेशन बंद कर दिया। जनवरी से फिर 4 रुपए 5 रुपए किलो चालू हो गए, तो फिर हार्वेस्टिंग चालू किया। तो जनवरी से लेके तो जून महीने तक 1.25 एकड़ में 2 लाख रुपए का बैंगन हुआ, यानी 2,70,000 रुपए पर एकड़ का अगर हिसाब लगाते तो 2,70,000 रुपए का बैंगन हुआ। उसमें 70,000 रुपए खर्चे में हमने निकाल दिया कि 70,000 रुपए अपना ये मजदूरी लेबर कॉस्ट इसमें चले गया, वन टाइम लगा के 2,70,000 नहीं, स्लोली धीरे धीरे पैसा लगाओ लेबर का। फिर जब हार्वेस्टिंग चालू हुई जब ज्यादा पैसा लगा तो 70,000 यानी 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट उसमें से मिल गया। लेकिन बैंगन लगाया तो अब क्या होगा, जो भी बैंगन है इसमें से हम रो तैयार करेंगे, उसमें कोरिएंडर या मेथी ये लगा देंगे, तो कोरिएंडर या मेथी उसमें का इंटरक्रॉप, उसके स्मेल से व्हाइट फ्लाई वगैरह नहीं आते, बाकी के इंसेक्ट नहीं आते जिसको एफिड्स वगैरह करते हैं, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आते, तो उसके साथ हम इंटरक्रॉप में मेथी या कोरिएंडर को जोड़ते हैं। तो मेथी और कोरिएंडर लास्ट ईयर हमने 20,000 रुपए का कोरिएंडर बेचा उसका 1 एकड़, जब 1 एकड़ में कोरिएंडर 20,000 का बेचा, मेथी भी कम से कम 15,000 रुपए की मेथी बेची, 15,000 की मेथी वो तो हमारा नेट प्रॉफिट है। इस तरह से 2,00,000+10,000 इसमें का कॉस्ट अगर हम माइनस करते हैं तो 2,10,000 और 2,80,000, 10,000 इमीजिएट माँ को दे दिया। अब ये कॉम्पिटिशन हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन नेचुरल फार्मिंग का। मैं अपने माँ को बोलता हूँ माँ तू ज़्यादा ले, माँ बोलती है बेटा तू ज़्यादा ले। तो ये केमिकल फार्मिंग में ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये नेचुरल फार्मिंग में कॉम्पिटिशन है। और ये कॉम्पिटिशन से सबका मन सबसे प्यार ही प्यार करो, कहीं किसी दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, तो हम लोग प्रेम की भाषा सीख जाते हैं।